करगिल विजय दिवस उपर राष्ट्र अज दया करता है। करगिल युद्ध के शहीद की श्रद्धांजलि, प्रधानमंत्री होरें फौजियों की बहादुरी की की सलाम, भारतीय फौज की की सराहना। प्रधानमंत्री होरें अपने मासिक प्रोग्राम मन की बात च कोरोना खिलाफ और मते सौगे रौने पर पाया जोर, आखिया जे खतरा अजे टलिया नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें कोविड 19 महामारी खिलाफ लड़ाई च शानदार योगदान लई जम्मू की महिला सरपंच बलबीर कौर की कीती बड़ियाई। नमस्कार, दूरदर्शन केंद्र जम्मू आसिया पेश डोगरी खबरें च तुंदा स्वागत है। मैं जूही मोहन ते हुन तफसील कन्नै खबरां। अज पूरे मुल्क च करगिल विजय दिवस मनाया जा करदा। पूरा मुल्क अज करगिल युद्ध दे बहादुरें की चेता करा करदा ते कन्नै शहीदें की श्रद्धांजलि भेंट करा करदा। यह ध्याड़ा अज दे रोज 1999 च भारतीय फौजियां आसिया पाकिस्तानी घुसपैठियें की करगिल सैक्टर थमां कड्डियै हासिल कीती गई शानदार जित दे रूप च मनाया जांदा। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें आखिया जे करगिल विजय दिवस साढ़ियां सशस्त्र फौजें दे संकल्प ते बेमिसाल बहादुरी का प्रतीक है। राष्ट्रपति होरें इस युद्ध दौरान अपने प्राणे का बलिदान करने आले फौजियों की सलाम किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू होरें आखिया जे मातृभूमि की रक्षा लई शहीद होने आले वीर जवानें लई राष्ट्र हमेशा कर्जदार रौग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें करगिल युद्ध के शहीदें की श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक अमर जवान ज्योति पर दिती गई श्रद्धांजलि च रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद येसो नाईक, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ते त्रौने सेनाएं दे प्रमुख शामिल हे। तुआई द्रास च अज मनाए गए करगिल विजय दिवस उपर सेना दी फायर इन फ्यूरी दे जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह होरें करगिल युद्ध स्मारक उपर फुल चाढ़ियै शहीद सैनिकें की श्रद्धांजलि भेंट की। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी सी मुर्मू होरें भी करगिल युद्ध के शहीद फौजियों की श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें आखिया जे उन्दी बहादुरी मुल्खा दे नौजवानें की हमेशा प्रेरित करती रौह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें करगिल युद्ध की विजय की फौजें दे बुलंद हौसले ते बहादुरी की विजय दसदे हुए देशवासियों की करगिल विजय दिवस की मुबारकबाद दिती है। ऑल इंडिया रेडियो पर अपने मासिक प्रोग्राम मन की बात च बोलदे हुए श्री मोदी होरें बहादुर फौजियों की उन्दी वीर माताएं की भी सलाम किया। उन्हें आखिया जे पाकिस्तान ने भारतीय धरती पर कब्जा करने लई ते अपने अंदरूनी माड़े हालात थमां लोकें दा ध्यान हटाने लई योजना बनाई है, ए दुस्साहस कीता हा। उन्हें भी आखिया जे पाकिस्तान ने भारत की पिठ च उस मौके छुरा मारिया जिस मौके भारत पाकिस्तान कन्नै खरे सरबंध बनाने दा जतन करा करदा हा। उन्हें भारतीय फौजें दी बहादुरी दी सराहना करदे हुए आखिया जे पूरी दुनिया ने उस युद्ध दौरान भारत दी ताकत ही दिखिया। लोग अपने वीरों को नमन कर रहे हैं, जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं आज सभी देशवासियों की तरफ से हमारे इन वीर जवानों के साथ साथ उन वीर माताओं को भी नमन करता हूं जिन्होंने मां भारती के सच्चे सपूतों को जन्म दिया। ताई जम्मू च भी भारतीय करगिल विजय दिवस के मौके पर एनसीसी दी जम्मू कश्मीर आर्म्ड स्क्वाड्रन आसिया ऑनलाइन प्रोग्राम का सरिस्ता किया गया ते करगिल दे शहीदें की श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समारोह दौरान जम्मू प्रांता दे बख-बख थारें दे एनसीसी कैडेट ऑनलाइन प्रोग्राम राएं देशभक्ति दी भावना पर आधारित कविता पेश कीतियां। इस दौरान एमएएम कॉलेज च कैडेटें मोमबत्तियां बालियै शहीद जवानें की श्रद्धांजलि अर्पित की। जो वीडियो हमने आपको दिखाई है अपने कट जाएगा। अब ये अब उनकी बच्चों की 280 बॉय बटालियन जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से लगा आज हमारा भारत वही खून प्रेरणा देता है। भारत माता की जय। 26 जुलाई का जो एक इम्पॉर्टेंट दिन है जो हमारी इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही मायने रखता, पूरे हिंदुस्तान के लिए इसको तो सेलिब्रेट करना ही है। जिस तरह हम सभी को पता है कि जब कारगिल वॉर में ज़्यादातर जवान लड़के थे 25 से 20 वर्ष के उम्र के, तो हम सभी यूथ को पता चलेगा कि वो भी जवान थे तो हम भी अभी जवान हैं, तो हम अपने देश के लिए सब कुछ करेंगे। जैसे कि उन्होंने अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए अपनी जान भी कुर्बान की थी, तो हम भी यही देखते हैं कि हमारे लिए कुछ और बड़ा नहीं है सिवाय देश के। इसे चाली करगिल विजय दिवस के सिलसिले च उधमपुर च भी श्रद्धांजलि समारोह का सरिस्ता किया गया। साबका फौजियों ते आम शहरदारें इस मौके पर करगिल युद्ध के शहीदें की चेता करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की।
कारगिल में जो शहीद हुए थे 99 में, उनको जो है वो होमेज देने के लिए यहाँ पे एक हमने कार्यक्रम रखा हुआ था। हमें शहीदों को अक्सर जो याद करना चाहिए बड़े बड़े समारोह करके, तुम्हारे ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को एक मैसेज आए कि जो हमारे जो जवान हैं वो कितनी कम उम्र में देश के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो उन्हीं के सिलसिले में आज एक हमने यहाँ पे एक दीप प्रज्वलित करके हम सब ने उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो वहीं सांबा च भी अज करगिल युद्ध के शहीदों की श्रद्धांजलि भेंट की गई। इस मौके एक गैर सरकारी संस्था सीमा जन कल्याण समिति की तरफा लोए गए समारोह च लोकें फौजियों के बलिदान की चेता करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारे शहीद अमर रहे, अमर रहे, कारगिल शहीद अमर रहे, कारगिल शहीद अमर रहे। सरहदी जिले पुंछ च भी एक समाजिक संगठन समाज सुधार सेवा सोसायटी आसिया लाए गए एक समारोह च 21वां करगिल विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर दीए बालिया करगिल युद्ध के शहीदों की श्रद्धांजलि भेंट की गई। कठुआ च भी इस मौके पर साबका फौजियों कल्याण एसोसिएशन आसिया एक सादे समारोह का आयोजन करिए करगिल विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर कठुआ शहरा के शहीदी चौक च लोए गए समारोह च एसोसिएशन के जिला चेयरमैन कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया ते प्रधान मोहन लाल हुंदी अगुवाई च शहीद स्मारक उपर फुल चाढ़िए शहीदों की श्रद्धांजलि दी गई। उधमपुर के मिलिट्री स्टेशन च भी अज 21वां करगिल विजय दिवस पारंपरिक उत्साह कन्नै मनाया गया। इस दिवस की शुरुआत उत्तरी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी हुंदे आसिया ध्रुव युद्ध स्मारक उपर पुष्प चक्र चाढ़िया की गई। इस मौके पर करगिल विजय दिवस पर एक दस्तावेजी फिल्म भी जारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आखिया जे भारत ने कोविड 19 खिलाफ एकजुट होइयै लड़ाई लड़ी है ते होरने देशों दे मुकाबले साढ़े देशा दा रिकवरी रेट बेहतर है। उन्हें आखिया जे एक जने दी भी मौत बड़े दुख दी गल हुंदी है लेकिन भारत लखें लोकें दी जान बचाने च कामयाब रहा है। प्रधानमंत्री होरें सौगा कीता जे लोकें गी अजे होर मता सतर्क करौने दी लोड़ है की जे कोरोना दियां अड़चना अजे पूरी चाली दूर नहीं होईयां हन। उन्हें लोकें गी सुझा दिता जे ओ मास्क पाईयै रखन ते अपने आप ते दुए गी बीमारी सोयां बचाईयै रखन। इस औखे वक्त च प्रधानमंत्री होरें उन्हें ग्राई इलाकें दी तारीफ कीती जेड़े पूरे देशा लई मिसाल बना करदे न। उन्हें जम्मू सुवा त्रेवा दी ग्राम पंचायत दी सरपंच बलबीर कौर हुंदी मिसाल दित्ती। श्री मोदी होरें कोविड 19 दौरान महिलाएं ते नौजवानें दे हुनर पर भी लौ पाई जो कोविड 19 कन्नै लड़ने दे के नमें उपा करा करदे न। श्री मोदी होरें नौजवानें पर जोर पाया जे ओ पूरा दिन देशा दे बहादुर वीर सपूतें दियां वीर गाथां उंदे बहादुरी ते कारनामे ते उंदे बलिदान दियां कहानियां आपूं विचे शेयर करदे रौहन। उन्हें सबने देशवासियों की आखिया जे ओ www.gallantryawards.gov.in पर जान ते उंदे बारे जानकारी हासिल करन। ए वेबसाइट बहादुर वीर सपूतें ते उंदी बहादुरी दियां कहानियां पर जानकारी देने वाली है। शेयर करें। मैं साथियों आपसे एक आग्रह करता हूं, आज एक वेबसाइट है www.gallantryawards.gov.in, आप उसको जरूर विजिट करें। वहां आपको हमारे वीर पराक्रमी योद्धाओं के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होगी और वो जानकारियां जब आप अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे उनके लिए भी प्रेरणा का कारण बनेगी। रुख त्रेवाली पेठा जम्मू दे अरनिया ब्लॉक च त्रेवा ग्रां दी ग्राम पंचायत दी सरपंच बलबीर कौर होरें अपनी पंचायत च त्रीए बिस्तरे आले एक क्वारंटीन सेंटर दा निर्माण करवाया है। ओ आपू इस क्वारंटीन सेंटर गी सैनिटाइज करदियां ते इस गल्ला गी यकीनी बनांदियां जे उंदी पंचायत कोविड सोयां सुरक्षित रवे। दूरदर्शन खबरें कन्नै गल करदे होई उनें किश इस चाली आखिया।
हम भी अपना इस समाज में कुछ योगदान दे पाए कि प्राउडली बोल सके कि वी आर इंडियन, राइट। तो हमने यहाँ पे एक अपना कोविड सेंटर बनाया हुआ है अर्निया में, अपने मीन्स की हमें नहीं लगता था कि यहाँ से हम बिल्कुल एक्सट्रीम बॉर्डर पे हैं। आई भी हमारा जो यहाँ से जम्मू से मीन्स 40 किलोमीटर है, अगर हमें भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम आ जाते तो हमें वहां तक पहुंचने में बहुत दिक्कत आएगी। तो उसको मतलब मेंटेन रखने के लिए कि खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हमने यहाँ पे एक सेंटर बनाया हुआ है। हमने पहले भी अपनी पंचायत में बड़े अच्छे तरीके से हाथ धोकर अपनी पंचायत में इनको बचाने की हमने कोशिश करी है। जम्मू कश्मीर च कल कोरोना वायरस के 523 नवे मामले दर्ज किए गए हैं, जिंदे च जम्मू प्रांत थमां 156 ते कश्मीर वादी थमां 360 मामले सामने आए हैं। इहदे कन्नै कुल पॉजिटिव मामले 17,305 हो गए हैं। इंदे चा कुल पॉजिटिव मामले 7,483 एक्टिव पॉजिटिव मामले ने, जिले के 9,517 ठीक हो गए। इसे दौरान पिछले 24 घंटे च कोरोना वायरस कन्नै प्रदेश च 3 होर मरीजें की मौत हुई गई है, जिन्हेंगी रलाइए उन्ने तोड़ी इस महामारी कारण जम्मू कश्मीर च 305 मरीजें की मौत हो चुकी दी है। इसे दौरान जम्मू जिला विकास कमिश्नर हुंदे दफ्तर काम करने आले 3 लोकें दे कोरोना पॉजिटिव होई जाने कारण जिला प्रशासन दी दफ्तर पूरी परिसर की कंटोनमेंट घोषित कर दिता गया। डोगरी खबरें दा बुलेटिन अजे जारी है, पर पहले कोरोना वायरस संबंधी एक विशेष सूचना। एक सर्किट हाउस नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 9111239780446 पर संपर्क करें। ब्रेक प्रिंटिक वरी पर तुंदा स्वागत है। जम्मू उधमपुर ते रजौरी चलाया गेदा वीकेंड लॉकडाउन जारी है ते लोक आपू भी विजन जरूरत घर थमां बाहर नहीं निकला करदे हन। इसे दौरान सांबा जिले दी 4 तहसीलें च लाया गेदा लॉकडाउन 3 जुलाई तोड़ी बधाई दिता गया है, कि जे कोरोना महामारी दे नवे मामले सामने आने च अजे कोई कमी नहीं आई है। तुआई भद्रवाह च कल संजा 14 होर लोकें दे जिंदे च मते सारे सरकारी कर्मचारी ने कोविड-19 पॉजिटिव आने परैंत प्रशासन ने लॉकडाउन की अनमिथे समय लई बधाई दिता है। इस दौरान जम्मू उधमपुर ते रजौरी च लाए गए लॉकडाउन की खिलाफवर्जी की कुसै बड़ी घटना की कोई सूचना नहीं मिली है ते यह लॉकडाउन कल बड़ले 6 बजे तोड़ी जारी रहोग। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित सरकार ने उन्हें थोड़ी लॉकडाउन कारण जम्मू कश्मीर थमां बाहर फसे दे 2,63,589 बसनीकें गी विशेष रेलगड्डियें ते बसें राएं इत्थें वापस आंदा है। 183,611 बसनीक बख बख रियासतें ते केंद्र शासित प्रदेशें च फसे दे हे, जिनेंगी लखनपुर राएं उन्दे घरें गी भेजा गया, जिसलै के 79,968 लोकें गी 95 विशेष रेलगड्डियें राएं जम्मू ते उधमपुर रेलवे स्टेशनें पर पजाया गया। 2,195 फसे दे मुसाफर कल ते अज लखनपुर पुजे, जिसलै के 779 मुसाफर दिल्ली थमां 74वीं विशेष कोविड रेलगड्डी राएं अज जम्मू पुजे। उन्ने तोड़ी प्रदेश दे बक्ख बक्ख जिलें दे बाहर फसे दे 64,272 बसनीकें गी 74 रेले राएं जम्मू पजाया जाई चुकिया है। ते इस दे कन्नै गै डोगरी खबरें दा बुलेटिन खत्म होआ। इजाजत देओ, नमस्कार।